कौन कोच है एकेडमी खाब। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो कि बहुत ही मशहूर है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं या काइनेटिक इक्वेशंस जिसे हम कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन जो मोशन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, किन इक्वेशंस के जरिए हम इनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यानी रिलेशनशिप एमोंग डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन लाइक एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम, इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इसको हम काइनेमेटिक इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको आपके कोर्स में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हेडिंग दी गई है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग के कोर्स में ये इसकी डेराइवेशन जो भी है वो ग्राफिकल डेराइवेशन है। ग्राफिकल के लिए एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि हम बनाएंगे, वो ग्राफ है वी टी ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है और इसी तरह टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अगर कोई इस तरह का मोशन हो जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये ग्राफ जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम वो से रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया। जहाँ पे ये ग्राफ खत्म हो रहा हो उसको हमने बी का नाम दिया। इसी बी पॉइंट को आप स्ट्रेट नीचे इस तरह गिराओ तो टाइम के एक्सिस पे एक नया पॉइंट हमें मिल जाएगा जिसको हम सी का नाम देंगे। और इसी तरह इस ए वाले पॉइंट को हम स्ट्रेट जाके इस एक्सिस के साथ बनाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल जाएगा जिसको हम डी का नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट लाइंस बनते हैं, हर एक लाइन का अलग अलग मतलब है। इस मतलब को समझिए, डेरिवेशन को बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये ओ ए लाइन जो है इसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी। क्यों हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं? क्योंकि ये ओ वाला जो एक्सिस है, y एक्सिस जो है, इस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आपका मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और ये ग्राफ जहाँ पे फिनिश हो रहा हो b पॉइंट को हम वेलोसिटी वाले एक्सिस से मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो आप इसको e पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। तो o e का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इस ओ ए के पैरेलल जो लाइन है वो है सी डी, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब भी सेम। ओ ए का लाइन, ओ ए लाइन का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, तो सी डी का मतलब भी होगा इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह ओ ई के पैरेलल लाइन है सी डी या बी सी, बी सी का मतलब भी क्या है? फाइनल। अब x एक्सिस पे जो ये दो लाइन हमको मिल रहे हैं तो x एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो
OC लाइन बराबर है AD का, और OC का मतलब है टाइम, तो AD का मतलब क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक लाइन लेती BD। अब BD का क्या होता है, इसको जरा समझिए। BD लाइन जो है, ये आप लोग के पास इसी तरह BC एक लंबी लाइन है, बी से शुरू होकर सी पे फिनिश हो रही है, और इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक डी पॉइंट हमने दिया हुआ है, तो सी डी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और इस पूरे लाइन का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब अगर हम इस पूरे लाइन से इस छोटी वाली लाइन को माइनस करेंगे तो इसमें होगा वी एफ माइनस वी आई, और जब भी हम वी एफ से वी आई को माइनस करते हैं तो इसको हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो बीडी का लाइन, बीडी लाइन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अब चेंज इन वेलोसिटी जो है, ये मैथमेटिक्स आप लोग के पास बराबर है, जिस तरह आप लोग को पता है कि एक्सीलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी आप लोग के पास हो गया एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बीडी लाइन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी बराबर हो गया एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये ग्राफ पे जो मुख्तलिफ लाइंस हैं उनका मतलब हो गया, ठीक है? अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। मोशन के इन चार पैरामीटर्स, इनके आपस में, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, इनका नाम, ठीक है? तो आप लोग इस बड़ी वाली लाइन को देखिए, BC लाइन जो है इन दो छोटी लाइन की कॉम्बिनेशन से बना है, BD प्लस DC, ठीक है? अब देखो BC लाइन जो है, इसका मतलब क्या था? BC लाइन का मतलब था फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? BD लाइन का मतलब है, वो हमने यहाँ पे निकाला है, उसका क्या मतलब था? AD। इसी तरह DC लाइन का क्या मतलब था? DC या CD, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AD, ये आप लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन आप लोग शुरू हो गया, ठीक है? तो ये किन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इसी तरह हर इक्वेशन ऑफ मोशन में चार पैरामीटर्स का हम रिलेशनशिप बनाएंगे। अब इनमें देखिए, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। तो आप लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जहां पे डिस्टेंस का जिक्र ना हो, एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें डिस्टेंस के बारे में हमें कोई मालूमात ना दी गई हो, या हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा ना गया हो, तो आप लोग डायरेक्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को